एक झूठी वीडियो दिखाकर जिसमें अपने आपको खुद बांध रही है। क्या कोई बांधते वक्त अपनी वीडियो भी बनवाता है? जियो ने लिखा मुझे, मैं शैतान हूँ, मेरी दूसरी बीवी अच्छी थी, ये मुझे मशवरा बनते हैं, चुरा चुरा में छोड़कर चली गई, पहली बीवी बहुत अच्छी थी। आप मेरे दिल से पूछे जो कुछ भी पूछना है। कोई भी इंसान 20 साल के बाद शादी करता है तो शौक से नहीं करता। रमजान ट्रांसमिशन के लिए कई चैनल पर कहता रहा लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। इस मुल्क के लिए मेरी तमाम खिदमत को आपने चूल्हे में डाल दिया। एक ऐसी लड़की की कहने वाकई जिसका इंटरव्यू लेना ही चाहिए था, इसकी जहालत के बावजूद इसको मैं अब कवर करता रहा। मैं फौजी बूट पॉलिश वाला आदमी नहीं, करता हूँ वापस उनसे, मैं क्या करूँ? मैं अपनी शख्सियत और अपनी जात के बारे में कोई वजाहत देना नहीं चाहता। अहले पाकिस्तान का शुक्रिया जिन्होंने मुझे नशई, शराबी, आइस काजी और तमाम तर इल्जाम का ताज पहनाया। एक ऐसी लड़की के कहने में आकर जिसकी उम्र 14 या 15 बरस है, जो ना गवाही देने के काबिल है, जिसकी ना बात पर यकीन किया जाना चाहिए, इस मुल्क के लिए मेरी तमाम खिदमत को आपने चूल्हे में डाल दिया। एक ऐसी लड़की की कहने में आकर जिसका इंटरव्यू लेना ही चाहिए था, उसने तनसीख ने निकाह का दावा किया था, मैं अदालत में चलाया था। रमजान आने वाला था, मैं रमजान ट्रांसमिशन के लिए कई चैनल्स पर कहता रहा लेकिन किसी ने मुझे काम नहीं दिया। कुछ लोग मुझे मशवरा देते हैं कि आपकी पहली बीवी बहुत अच्छी थी। आप मेरे दिल से पूछे जो कुछ भी पूछना है। आप मशवरे मत दें। कोई भी इंसान 20 साल के बाद शादी करता है तो शौक से नहीं करता, तकलीफ से करता है। मेरी दूसरी बीवी अच्छी थी, ये मुझे मशवरा मत दें, जो रात रात में छोड़कर चली गई, सिर्फ फेम और छोड़ दीजिए। मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैंने इस बार ये नहीं सोचा था कि मैं शादी कर रहा हूं। मैंने सोचा था कि मैं किसी को सहारा देकर कुछ तो अपने गुनाह माफ करा लूंगा। मैं सोचा था मैं इसको लिखाऊंगा, पढ़ाऊंगा। इसने मुझे कहा मुझे आप कुरान पढ़ाइएगा। मैंने कहा कुरान बेटा जब पढ़ाऊंगा, जब तुम्हें यसरनुल कुरान आएगा पढ़ना। बेटा मैं आप लोगों के लिए कह रहा हूं, मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा यसरनुल कुरान तो तुम्हें पढ़ जाएगा, जब तुम्हें अलिफ आ अलिफ बा पा ता ये सब आएगा तुम्हें पढ़ने के लिए, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। हाँ मुझे आता है सिखाना, मैंने कभी जबर नहीं किया। अगर मैं जबर किया होता तो फिर तुआ भी हिजाब कर रही होती, मेरी बेटी दुआ भी हिजाब कर रही होती। जब मैं जबर करता ही नहीं तो मैं किसी को बांधूंगा कैसे? लेकिन आप लोगों ने एक झूठी वीडियो दिखाकर जिसमें अपने आपको खुद बांध रही है। क्या कोई बांधते वक्त अपनी वीडियो भी बनवाता है? जियो ने लिखा मुझे, मैं शैतान हूं। एक्सप्रेस ने लिखा मैं एक बद किरदार हूं। क्या लखानी साहब मेरा किरदार नहीं जानते? क्या मीर शेखुर रहमान साहब ने मेरा किरदार नहीं देखा? मैं हजारों लड़कियों के दरमियान रहते हुए भी मैंने उन पर कभी आंसू नहीं आने थी। जो मैं इस वक्त रो रहा ऐसी रोती भी कुछ इब्राहिम की वीडियो थी, मैंने आज तक किसी के सामने लेकर नहीं आया। लेकिन उन्होंने मुझे खुलकर जलील किया, जियो एक्सप्रेस और भी सारे मीडिया के जितने लोग थे, कुछ थे मेरे साफी लोग, मुझे फोन करते रहे कि मैंने कहा मैं जवाब नहीं दूंगा। उसकी वजह है नशे की जबान ऐसी नहीं होती। मेरी कमजोरी नहीं है कि मैं रो रहा हूं, मैं आपके लिए नहीं रो रहा, मैं इस वक्त साथ साथ दिल में अल्लाह को याद करके रो रहा हूं। वो झूठ पे झूठ कहती रही, झूठ पे झूठ कहती रही। मैंने उस दिन के बाद से जब से वो गई है यहां से, मैंने फोन तक नहीं, कह रही है मुझे धमकी देते हैं। एक लड़की ने मेरा पर्दा फाड़ दिया। वो अगर आप कहते हैं कि मैंने ऑडियो लगाई, मैंने ऑडियो अपने पास से नहीं लगाई थी, मैंने ऑडियो रिकॉर्ड नहीं की थी, मुझे ऑडियो भेजी तो मैंने लगाई। मेरा तो तुमने रिकॉर्ड किया सारा, मेरा तो पर्दा तुमने फाड़ा। कोई मेरे जिस्म पे ताने कस रहा है, कोई किसी चीज पे कस रहा है। या अल्लाह ये देखने से मौत क्यों आई? मैंने लोधरा की एक बच्ची को गांव से उठाकर उसको इज्जत दी थी, जिल्लत नहीं दी थी। जिल्लत का इंतखाब उसने खुद तनसीख निकाह का दावा करके उसमें झूठे सामान लगा दिए। किसी भी एंकर ने ये नहीं पूछा कि मैं अगर मारता हूं तो कोई तो निशान होगा। मैं नहीं मारता किसी को, मैंने अपने बच्चों का हाथ क्यों उठाया कभी? मैं अगर मारता हूं तो सिर्फ अपने कॉलेज, मेरा अपना बच्ची जो महूज अब्दुल वहाब, इन पर हाथ मारते बस ऐसी मजाक में। इसीलिए आप मुझे कहते पार्टियां बदलता रहता है, साइड बदलता रहता है। हाँ बदलता हूं, इसलिए मोमिन हूं, जहां पर सही साइड होगी वहां जाऊंगा। बुशरा को मैंने तलाक नहीं दिए, जब मैं इसको तलाक दे देना तो बुशरा को कैसे दूंगा? और मुझे पलट के वापस भी किसी के पास नहीं जाना। मैं जानता हूं मुझे कोई मशवरा ना दे, मैंने तो अजय तो 20 साल गुजारे, मैं जानता हूं 20 साल से बच्चों के गाजर के बड़े हो जाए, लेकिन मैं बुशरा में गुजार नहीं लगा रहा, मैंने अजय तुम गुजारे, मैंने बुशरा अच्छी है, मैंने अजय तुम गुजारे। इसको मैंने कुछ जेवर नहीं दिलाया था, सबको दिला चुका था। बुशरा को सबसे ज्यादा दिलाया, तुम्हें कुछ कम दिलाया, बल्कि बहुत कम दिलाया। इसको कहा कि मैं शादी को 4 महीने तो हुए, एक जगह से गए 6 महीने, बदल रखा 6 महीने कमरा साधु, 6 महीने कहां से हो गए, 4 महीने तो शादी को हुए। मैंने इसको ये जारी थी, अभी पहले जब आई तो उसके आने के फौरन बाद मियां बीवी को क्या क्या खलबत नहीं मिलनी चाहिए? इसके आज ही इसकी बहन लाइबा आ गई, 5 दिन तक रुकी रही, हमें खलबत नहीं मिली।
ये पांच अपनी बहन को घुमाती रही, इनके बहनों ही भी आ गए थे। खैर है उनका अपना घर है, मेरा घर तो ऊपर तामीर हो रहा है तो मैं एक कमरे में रहता हूँ, एक कमरे में, क्योंकि जो ऊपर का घर है वो अम्मी का घर, अम्मी रहती थी वहां, अब वो तामीर करवा रहा हूं मैं। ये कहती मेरी माँ को आ रही तो मेरी माँ तो सब कुछ है मेरा। मैंने इसको, ये मुझे कहती थी खाना तो मैं अपने हाथ को बनाऊ, मैंने 8 दिन खाना इसके लिए बनाया। ये थी मैंने भूखा रखा इसको, इसको इसको कभी नहारी नहीं खाई थी, मैंने इसको नहारी खिलाई। कैसी जब गांव के लोग नहीं खाए, मैंने इसको सब चीजें खिलाई।